प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एबीसी गुरु में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम कुछ संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? दो अंकों की ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 5 हो। तो देखिए, हम 15 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 25 का वर्ग ज्ञात करेंगे इसमें, ठीक है, 35 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे, 45 का ज्ञात करेंगे, 55 का ज्ञात करेंगे, 65 का ज्ञात करेंगे, 75 का ज्ञात करेंगे, 85 का ज्ञात करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनका वर्ग आप ज्ञात करना आज इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें एक छोटी सी ट्रिक हम का इस्तेमाल हमने किया है और वो ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए, 15 का वर्ग हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये नंबर है 15, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, 15 का जो दहाई का अंक है, जो इकाई का अंक है, तो इसमें तो 5 × 5 सीधा सीधा 25 हो जाएगा, ठीक। और ये जो दहाई का अंक है, इसमें क्या करेंगे कि दहाई का अंक और उसका अगला नंबर तो 1 × 2, ठीक है। तो 1 × 2 कितना हुआ? ये 2 हो गया और ये 5 × 25 हो गया। तो 25 को यहाँ लिख दीजिए, यानी 15 का जो वर्ग हो गया वो बराबर कितना हुआ? 225 हो गया। अब आप हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट 25 का वर्ग इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए, 25 का वर्ग, तो देखिए इसमें 5 × 5 हो जाएगा और इसमें 2 का अगला नंबर 3 होता है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया और ये 25 हो गया, तो यहाँ 25 लिख दीजिए। तो ये हो गया 25 का वर्ग 625, यहाँ आप लिख दीजिए 625, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 35 का दिखेगा, हम स्केच का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ दिखेगा आपको 35 का। तो देखिए, 3 का क्या हो जाएगा? 3 × 4, और 5 का हो जाएगा 5 × 5, तो 3 × 4 = 12 हो गया और 5 × 25 यहाँ लिख दीजिए 1225 हो गया। ऐसे देखिए, 45 का ले लेते हैं, 45 का वक्त, तो देखिए 4 × 5 5 × 20 हो गया और ये 5 × 25 हो गया, यानी 2025 हो गया। ऐसे हम डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखिए, हम 55 का निकालेंगे, तो 55 का हो जाएगा 5 का अगला 6 नंबर, 5 × 30 और 5 × 25। ऐसे ही 65 का निकालेंगे, 65 का वर्ग बराबर 6 × 7 = 42 हो गया, और 25 हो गया 5 × 25, है ना। दोबारा से कर देते हैं इसको, 6 × 42 और 5 × 25। फिर 75 का देख लीजिए, 75 का 7 × 8 = 56 और 25। फिर देखिए, 85 का देख लीजिए, 85 का करते हैं, तो 85 हो जाएगा 8 × 72 और 5 × 25, 7225 हो गया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, 95 का स्क्वायर, तो 9 का अगला 10 होता है, 9 × 3 = 90 और 25, 9025। ऐसे ही आप 10 का देख लीजिए, 105 का देख लीजिए, 10 का नहीं, तो 105 का निकालेंगे, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 × 11 ये हो जाएगा और 5 × 5, है ना, वही तरीका। तो ये हो जाएगा 11 × 110 और 5 × 25 ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये दरअसल गुणा का चिन्ह नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको दूसरे तरीके से भी करने का एक प्रयास करेंगे, ठीक है। पेन से करते हैं इसको, 105 वाले को, तो 105 इसमें देखिए 10 और 10 का अगला नंबर 11 बराबर 110 हो गया, देख रहा होगा ना, ठीक है। और ये 5 है, तो 5 × 5 इसका वर्ग और लिख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25, तो 25 यहाँ लिख दीजिए, इस 25 को ला के यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये इसका मिल गया आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं जिसके इकाई के नंबर पर
क्या होगा, पांच होगा। तो इस विधि से आप उनके सबके क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगले मैं बता रहा हूँ 115, 125, 135, 145 और सारे नंबर हैं, इनके आपको वर्ग निकालने हैं। ठीक है, इन सबके वर्ग निकाल के देखने हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।